एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप लोगों के साथ आज मैं क्या शेयर करने जा रही हूँ, वैसे तो आप लोग थंबनेल में देखकर समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या शेयर करने जा रही हूँ। तो जी हाँ, आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मीशो हॉल। और मैंने ना ये जितनी भी ड्रेसेस मंगवाई हुई है ना, ये सारी की सारी मैंने फेस्टिवल को देखते ही मंगवाई हुई, क्योंकि अभी सारे के सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो शॉपिंग कर रहे हैं तो क्यों ना आप लोग सब कुछ शेयर करना बनता है। और मैंने इस जो शॉपिंग की हुई है ना, ये पूरी की पूरी थीम बेस्ड की हुई है। मैंने जितने भी ड्रेसेस मंगवाए हैं सारे के सारे रेड कलर में ही। तो जैसे कि आप लोग थीम देख सकते हो कि मैंने पूरी की पूरी जो थीम है वो रेड कलर रखी हुई है, क्योंकि करवा चौथ भी आ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो करवा चौथ के लिए स्पेशली बना देती हूँ। तो मैंने पूरी की पूरी ड्रेसेस जो है ना वो रेड कलर की मंगवाई। इसमें सारे के सारे कलर अवेलेबल है, आप लोगों को जो कलर चाहिए आप लोग चूज कर सकते हो। और ये जो शॉपिंग मैंने की हुई है ना, ये की है मैंने मीशो से। तो वैसे तो सभी लोग जान गए कि मीशो क्या है, जो लोग नहीं जानते हैं वो मेरा वीडियो देखकर जरूर जान जाएंगे कि मीशो क्या है। और अभी ना आप लोगों को एक सबसे अच्छी बात बता देती हूँ कि मीशो पे ना अभी 6 अक्टूबर to 9 अक्टूबर तक महा सेल चलने वाली है। तो आप लोग ना उसमें करोड़ों के इनाम जीत सकते हो। तो जल्दी जल्दी से जाओ और शॉपिंग करो। और सबसे अच्छी बात तो बता क्या, यहाँ पे ना अभी जो प्राइस गिरने वाली ना 6 to 9 के बीच में, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। वैसे भी मीशो पे बहुत कम प्राइस में चीजें अवेलेबल है, और अभी जो सेल चल रही है उसमें तो और ज्यादा कम हो जाएंगे। तो आप लोग भी फटाफट जाके शॉपिंग करो, क्योंकि ये वाला जो मेरा वीडियो है ना, अभी ये मेरा हॉल वीडियो, ये शायद 6 अक्टूबर को ही जाएगा, क्योंकि मैं इसको नाइट में ही शूट करी थी। कल मॉर्निंग में इसको मतलब रात भर में मैं इसको एडिट करूंगी, फिर मैं आप लोग कल शेयर करूंगी। और फिर आप लोग सारे ड्रेसेस कैसे लगे आप लोग मुझे जरूर बताना। और मीशो की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना आप लोगों को कम से कम प्राइस में चीजें मिल जाती है, और यहाँ की रिटर्न जो पॉलिसी वो भी बहुत अच्छी है। कि मतलब अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं, 7 डेज मिलते हैं आपको रिटर्न करने के लिए, और जो आपका अमाउंट होता है वो भी अकाउंट आपके अकाउंट में सेफली आ जाता है। तो कोई टेंशन है ही नहीं। और आप इसमें एक्सचेंज भी कर सकते हो, अगर आपका साइज कोई प्रॉपर नहीं आ रहा है, आपको लूज आ रहा है, एकदम ढीर टाइट आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें चेंज भी कर सकते हो, तो वो भी इजीली हो जाता है। और मुझे तो मीशो बहुत ज्यादा पसंद। आप लोगों को पता है कि मैं मीशो से भी फिलहाल तो जितनी भी शॉपिंग करी ना वो सबके सब मीशो से ही कर रही हूँ, क्योंकि मीशो में 1 करोड़ यूजर्स हैं जो कि अभी यूज कर रहे हैं मीशो को। और 50 लाख प्रोडक्ट है यहाँ पर, मतलब किचन वेयर मान लो, क्लॉथ से मान लो रिलेटेड है, और घर डेकोरेटिव आइटम्स हैं, बेबीज के वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल, और वो भी बहुत कम प्राइस में। मुझे कुर्ता है, पैंट है और दुपट्टा है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और रेड कलर तो मतलब हम लोगों का फेवरेट ही होता है, सभी लोगों का, बहुत अधिकतर लड़कियों का तो रेड कलर फेवरेट ही होता है। तो ये देखो आप लोगों को कुर्ता दिखा देती हूँ। और ये कुर्ता जो है ना प्रिंटेड फॉर्म में है, और ये जो कुर्ता है ये रियोन मटेरियल में है। और इसका जो रियोन मटेरियल, तो मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि मैं हमेशा रियोन मटेरियल की ड्रेसेस परचेस करती हूँ। तो ये देखो कितना सॉफ्ट है, और रियोन मटेरियल है तो मुझे तो कोई इशू है नहीं। और इसके स्लीव जो है वो 3/4 है, और इसकी जो स्लिप्स है ना इसमें भी देखो, जो छोटा वाला मिरर टाइप का आता है ना पेपर मिरर, वो वर्क किया हुआ है। और इसके स्लिप्स में भी वही किया। और ये सामने की तरफ आप लोग देखो कि यहाँ पे इन लोगों ने डोरी दी हुई है, और यहाँ पर भी इन लोगों ने एम्ब्रॉयडरी और पेपर वर्क मिरर का वर्क किया हुआ है। तो उसकी वजह से ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, और रेड कलर है और प्रिंटेड वर्क है, और सेम का सेम इन लोगों ने नीचे की तरफ भी डाल दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो पास से कितना प्यारा प्रिंट है। और जब मैं ट्रायल करूंगी ना तो आप लोगों को पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हो कि दुपट्टा कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना ज्यादा सॉफ्ट है। और इसके जो दुपट्टे की आउटलाइन है ना, उसमें भी इन लोगों ने एम्ब्रॉयडरी जो वर्क कुर्ते में किया हुआ ना, यहाँ पर भी किया हुआ है। और दुपट्टे की जो लेंथ है वो सफिशियंट है, इसी टाइप का हम लोग दुपट्टा यूज करते हैं। और इसके बाद ये बारी आती है पैंट की, तो पैंट बहुत अच्छी दी हुई है, प्रॉपर तरीके की लेंथ है। आज मैं ना वीडियो दूर से बना रही हूँ तो आप लोगों को प्रॉपर दिख जाएगा कि कितनी लेंथ है, तो आप लोग देख सकते हो। और नीचे की तरफ आप भी देख सकते हो कि पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है ना। एकदम ही रियोन तो है, बट ये सॉफ्ट कॉटन है ना, इसमें देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है।
दुपट्टे पे पूरा का पूरा इन लोगों ने गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ में ना यहाँ पे ये देखो लेस लगाई है, समोसा स्टाइल की जो हाथी में लेस लगाती हूँ। तो इसका कुर्ता कुछ इस टाइप से है, फ्रॉक स्टाइल जो बोलते हैं ना कुर्ता, उस टाइप में है। और घेर बहुत अच्छा दिया है। मैं जो साइज पहनती हूँ मैं एम साइज पहनती हूँ, तो मैंने एम साइज से एक साइज बड़ा मंगवाया, तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने एल साइज मंगवाया। और एल साइज मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि इसमें घेर है ना, तो ये घेर बहुत अच्छे से आएगा, तो ऊपर से फिटिंग हो जाएगा और नीचे जो घेर आएगा ना वो बहुत औसम आने वाला है। और ये कट स्लिप्स वाला है, स्लिप्स नहीं है इसमें। शरारा का जो घेर है ना वो भी बहुत अच्छा है, दोनों लगे थे साथ में, तो आप लोग देख सकते हो एक तरीके का कितना ज्यादा घेर है। और ऊपर जो यूज किया हुआ है वो प्लास्टिक किया हुआ है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इसमें जो वर्क किया हुआ है ना, तो आप लोग देख सकते हो, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो इसमें ना कढ़ाई वर्क किया हुआ है और रेड और गोल्डन का मिक्सअप है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें भी कलर बहुत सारे अवेलेबल है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग अगर रेड कलर नहीं लेना है तो आप लोग दूसरे कलर चूज कर सकते हो। तो आप लोग बोलोगे कि आपने सारे के सारे रेड ही लिए, तो मैंने रेड लिया क्योंकि मुझे रेड चाहिए था। आप लोग इसमें सारे कलर अवेलेबल है, आपको जो किया हुआ है बैग में बिल्कुल प्लेन रखा हुआ है। और इसकी जो स्लिप्स है वो है 3/4, और इसके स्लिप में ना कोई भी वर्क नहीं है, तो ये बहुत अच्छी लग रही है। मतलब कहना चाहिए कि सिंपल है कि आप लोग कहीं अगर घूमने फिरने जा रहे हो तो आप इसे प्लाजो है, तो ये प्लाजो का आप लोग लेंथ देख सकते हो। और यहाँ पर भी इन लोगों ने नीचे की तरह प्लाजो में वर्क किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है गोल्डन और रेड कलर की, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। और इसके बाद मैंने इसको ट्राई किया हुआ है, आप लोग बोलोगे अभी तो बोला तो वो वाला ट्राई नहीं किया, तो ये वाला मैंने ट्राई किया हुआ है। तो ये देख सकते हो आप लोग इलास्टिक इसमें है, तो फिटिंग की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और इसका जो दुपट्टा दिया हुआ है वो दिया हुआ है नेट में, जो नेट आती है ना सॉफ्ट वाली नेट, उसमें यूज की हुई है। और अभी मैं आप लोगों को पास से इसका दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पर जो छोटे छोटे से सितारे होते हैं ना, उससे पूरा का पूरा वर्क किया हुआ है। और यहाँ पर ये देखो गोल्डन कलर की बॉर्डर लगाई हुई है सारे के सारे, सारी की सारी चुन्नी में। और यहाँ पर कुछ ये चारों तरफ ये कुछ इस तरीके के टसल दिए हुए हैं, तो ये देख सकते हो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। चुन्नी में अच्छा वर्क किया हुआ है, अच्छी लग रही है चुन्नी, तो ये देख सकते हो आप लोग। क्योंकि कुर्ता बिल्कुल सिंपल सा दिया है ना, तो चुन्नी में थोड़ा सा वर्क कर दिया हुआ है। और चुन्नी की जो लेंथ है वो भी बहुत अच्छी है, आई थिंक चुन्नी जो आती है वो 2 से 2.5 मीटर के बीच आती है, तो ये 2 से 2.5 मीटर के बीच की ही है, तो आप लोग देख सकते हो कैसी लग रही है। किया हुआ है, इसमें भी सारे कलर अवेलेबल है। तो ये हो गया दुपट्टा, ये इसका पैंट हो गया, और ये हो गया इसका कुर्ता। तो अभी मैं आप लोगों को कुर्ता दिखाती हूँ। और ये कुर्ता ना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था पहन के, क्योंकि मुझे ना जो घेर वाले कुर्ते थे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाला घेर वाला कुर्ता है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो तो ये कितना ज्यादा घेर वाला है। और ये ना देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैंने जो साइज लिया है ना वो एल लिया हुआ, क्योंकि मुझे एम साइज आता है, बट घेर की वजह से मैं एक साइज बढ़ा लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये सारा का सारा ना यहाँ पे जो वर्क किया हुआ है, ये पेपर मेरा जो वर्क है ना वो किया हुआ, पास से पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आप लोगों को ये चमक रहे होंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा
पेपर वर्क कर दिया हुआ है और यहाँ पर ना सिल्वर कलर की जो पतली सी बॉर्डर होती है ना वो लगा दी हुई है, पूरे पूरे राउंड शेप में लगाई हुई है। तो ये आप लोग देख सकते हो और सेम ना नीचे इन लोगों ने ये वर्क किया हुआ है, नीचे भी इन लोगों ने सिल्वर कलर की बॉर्डर लगा दी हुई थी, उसकी वजह से ना बहुत अच्छा लग रहा है लुक जो इसको पहनने के बाद आ रहा है ना वो बहुत अच्छा रहा। आप लोगों को ट्रायल में क्लियर हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा प्रिंटेड कुर्ता है, ये रियोन मटेरियल में है। तो ये बैक में देख सकते हो आप लोग पूरा का ब्लॉक मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब इस बारी आती है इसके पैंट की, तो पैंट ये देखिए आप लोग, इसकी पैंट मैंने इलास्टिक ही है, अधिकतर मैं सभी में इलास्टिक वाला ही आया है इस बार, मैंने जितने भी ड्रेसेस ऑर्डर किए ना। तो ये देख सकते हो ये है ना रियोन मटेरियल में है ये भी, और ये प्रिंटेड ही है। तो आप लोग पास से देख सकते हो कि मटेरियल कितना ज्यादा सॉफ्ट है, और ये पूरा का पूरा प्रिंटेड है। और इसका कुर्ते का तो पूरा का पूरा रेड देके रखा हुआ है, बट ये वाला जो वर्क किया है ना इन्होंने, इसका पूरा प्लाजो पर मतलब पैंट बना दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी में इसी के लोगों ने बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब दुपट्टा इसका थोड़ा सा ना उठाने में भी थोड़ा सा जो लाइटली सा हैवी होता है ना वो लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हो इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, बट ऐसे जो चौड़ाई है ना वो कम है, तो मतलब अच्छा लगेगा नो डाउट कि बेकार लगने वाला अच्छा लगने वाला। बाकी मुझे ना पर्सनली मैं मेरा व्यू बता रही हूँ कि मुझे जो चौड़े होते हैं ना मुझे वो ज्यादा दुपट्टे अच्छे लगते हैं। ये भी अच्छा लगेगा आप लोग ओढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पर मैंने मेरा पर्सनल व्यू बताया आप लोगों को। और इस पूरी चुन्नी में इन लोगों ने जो पतली सी जो बॉर्डर होती है ना वो यूज की हुई है चारों की चारों तरफ, आप लोग देख सकते हो सिल्वर कलर की बॉर्डर से पूरी चुन्नी को डेकोरेट किया हुआ है। तो मतलब बहुत अच्छा लुक आ रहा है चुन्नी का भी, तो मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ऐसे करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देख सकते हो कि चुन्नी का कितना प्यारा लुक आ रहा है। आप लोग मतलब मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, ये देखो, हाँ ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे दिखा इसलिए रही हूँ कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखो कितना बड़ा सा है, और इसको भी मैंने ट्राई किया था, ये मुझे बहुत अच्छा। अगर आप लोग हील वेयर करते हो ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर हील वेयर नहीं करते तो फ्लोर से थोड़ा टच हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसकी स्लीव्स दिखाती हूँ, इसकी स्लीव्स कितनी ज्यादा हैवी दी हुई है। और यहाँ पे ना मतलब ये जो बॉर्डर है ना गोल्डन का वर्क तो है ही है, साथ में यहाँ पे इन लोगों ने पल के जो मोती आते हैं ना उससे इन्होंने व्हाइट कलर की जो पल के मोती है ना उससे वर्क किया। तो इसको स्लीव जो है ना वो हैवी बना दी हुई है, और जो स्लीव्स है ना ये 3/4 से थोड़ी सी बड़ी है, अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लगी है ये वाली स्लीव्स। देखिए दोनों की दोनों स्लीव्स में ये वर्क हो रखा है। बाकी पूरा फ्रंट से आप लोग देखोगे तो पूरा का पूरा प्लेन गाउन है ये वाला, बैक से भी पूरा गाउन है, और ये जो है ना घेर वाला है, मतलब इसको अलाइन कुर्ता आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ज्यादा घेर नहीं है ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगी एकदम घेर वाला है, अलाइन है आप लोग मतलब स्ट्रेट भी नहीं बोल सकते इसको, और एकदम घेर वाला भी नहीं बोल सकते, मेड का जो होता है ना वो वाला है ये। तो ये अच्छा लग रहा है, और इस जॉर्जेट मटेरियल में तो बहुत लाइट वेट है इसका। और इन लोगों ने ऊपर कोई वर्क नहीं किया ना, तो लोगों ने नीचे फ्लोर में की तरफ थोड़ा सा वर्क कर दिया। तो यहाँ पर आज से दिखा देते पिक्चर में और क्लियर हो जाएगा ट्रायल में भी। पूरा बहुत ज्यादा मतलब सिंपल सोवर सा है, बट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये बैक से तो पूरा का पूरा प्लेन ही है, ये देखो कितना प्लेन चुन्नी, इसकी चुन्नी में भी इन लोगों ने वर्क किया हुआ है चुन्नी, ये देखिए आप लोग। इसकी चुन्नी से मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ, इसकी चुन्नी बहुत छोटी सी, आप लोग देख ही सकते हो कितनी छोटी है, और बिल्कुल नहीं है। यहाँ से भी देखो ये इतनी सी है, और इस साइड से भी जो देखो लेंथ विड्थ दोनों साइड से ही बहुत ज्यादा छोटी है ये, तो मतलब मैं चुन्नी से खुश नहीं हूँ, बाकी कुर्ता से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शॉपिंग कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोगों का सबसे फेवरेट वाला ड्रेस कौन सा है वो भी बताना। और इसमें सारे के सारे कलर्स अवेलेबल है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को
कि आप लोग भी जाकर इनको बाय कीजिए और 6 to 9 अक्टूबर जो महासेल चलने वाली है उसमें आप लोग जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आप लोग करोड़ों के इनाम भी जीत सकते हो। तो मैंने ना बहुत सारे बिजनेस बना के रखी हुई है और कल सुबह मैं फटाफट जाके सारी चीजें ऑर्डर कर देने वाली हूँ कि जो जो मतलब मैंने बिजनेस लिस्ट में डाला हुआ है मैं सब चीजों को ऑर्डर करने वाली हूँ। तो चलो इस वाले होल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं आपसे मिलूंगी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। अगर आज आप लोगों को मेरा ये हॉल वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।